नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 7 सितंबर 2017। प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रंट पेज पे न्यूज है सुप्रीम कोर्ट के एक डायरेक्टिव से संबंधित। हाल फिलहाल में गोरक्षा के नाम पे काफी सारी वायलेंस की खबरें आ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पे एक टफ स्टैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कीजिए डीएसपी लेवल पे। वो नोडल ऑफिसर कार्य करेगा गोरक्षा के नाम पे जो भी वायलेंस होता है उसको। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को भी लताड़ लगाई। आमतौर पे देखो, गोरक्षा के नाम पे जो वायलेंस होता है, यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार यह कह के अपना पल्ला झाड़ लेती है कि लैंड ऑर्डर जो है वो स्टेट्स का काम है, स्टेट डोमेन में आता है, हम इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को याद दिलाया आर्टिकल नंबर 256। क्या है आर्टिकल नंबर 256, आप बताइए, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 256 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी कानून पार्लियामेंट से पास हुए हैं उनका पालन करना चाहिए और कंप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट्स पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून को कंप्लाई नहीं करती हैं, उनका पालन नहीं करती हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो सफिशियंट इंस्ट्रक्शंस पास करे स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके लिए। तो ये है आर्टिकल नंबर 256। तो अब देखो, इस पूरे विवाद में अगर स्टेट गवर्नमेंट्स वायलेंस को कर्ब नहीं कर पा रही है गोरक्षा के नाम पे, तो यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से, आर्टिकल नंबर 256 के हिसाब से, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का एग्जांपल है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट करना था डिफरेंट स्टेट्स को, लेकिन कुछ राज्यों ने बहुत ज्यादा देरी करी। उसमें भी याद दिलाया गया था कि अगर स्टेट्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है उन स्टेट्स को इंस्ट्रक्शंस पास के, डायरेक्टिव्स दे कि आप जल्द से जल्द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इंप्लीमेंट कीजिए। आर्टिकल नंबर 256 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो ये पूरा इशू था और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिकल नंबर 256 पे। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सिटीजनशिप के बारे में है। कंटेक्स्ट क्या है, तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक एमएलए, इनके पास में जर्मन पासपोर्ट पाया गया था, तो इनकी जो सिटीजनशिप है होम मिनिस्ट्री ने वो रद्द कर दी है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अनुसार। क्या कहता है सिटीजनशिप एक्ट 1955? हमारे देश में देखो ड्यूल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। अगर हमारे देश का कोई नागरिक किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो ऑटोमेटिक हमारी देश की जो सिटीजनशिप है उसकी वो खत्म हो जाएगी। तो जर्मन पासपोर्ट का मतलब यह है कि उनके पास में जर्मन सिटीजनशिप थी, ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है हमारे देश में, तो उनके लिए इसीलिए उनकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रद्द हो गई है। अब कुछ और कारण है जिसकी वजह से सिटीजनशिप जा सकती है, नागरिकता जा सकती है। सबसे पहले बाय रिनन्सिएशन, खुद ही छोड़ दे कोई पर्सन जो भारत का नागरिक है, अपनी सिटीजनशिप खुद ही छोड़ दे। दूसरे नंबर पर टर्मिनेशन, ये जो केस है वो टर्मिनेशन का ही है, सरकार ने रद्द कर दी क्योंकि उनके पास में जर्मन पासपोर्ट पाया गया था। तीसरे नंबर पर है डेप्रिविएशन, अगर ये पता लगता है किसी ने भारत की नागरिकता फ्रॉड से हासिल करी है, या वो संविधान के प्रति डिसलॉयल है, या फिर किसी दूसरे देश में रह रहा है पिछले 7 सालों से लगातार, तो इन केसेस में भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो ये कुछ रीजंस हमने डिस्कस किए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन के बारे में है। प्रोजेक्ट का नाम है MEIDP। देखो, फिलहाल दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इंडिया एंगेज्ड हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सका है। एक तो IPI यानी ईरान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया में पाइपलाइन बनाना और गैस इंपोर्ट करना ईरान से, लेकिन काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, अभी तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सका है। और इस बात के भी कंसर्न्स हैं, अगर कल को अनफॉर्चुनेटली रूप से अगर वार हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या पाकिस्तान खलल नहीं डालेगा इस पाइपलाइन में, क्या गैस की सप्लाई को नहीं रोकेगा पाकिस्तान? और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है तापी, ये है तापी का रूट, इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। पहले तो कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे थे कि अफगानिस्तान की डिफिकल्ट टेरिटरी से ये पाइपलाइन होकर गुजर रही है, लेकिन बाद में तालिबान ने एश्योरेंस दिया था कि हम इस पाइपलाइन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन एग्रीमेंट्स को लेकर अभी भी काफ़ी सारे विवाद हैं कि गारंटी कौन लेगा। तुर्कमेनिस्तान जहां से ये गैस आएगी वो गारंटी लेने को तैयार नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट भी अधर में है। तो इंडिया ने अब एक नया प्रोजेक्ट चलाने की सोची है, पाकिस्तान की टेरिटरी को अवॉइड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन। इसका रूट क्या है, ये एक अंडर सी पाइपलाइन है, यानी पानी के नीचे से जाएगी, समुद्र के अंदर से जाएगी ये पाइपलाइन। और ये देखो, पहले ईरान से पहले जाएगी ओमान तक, ओमान से फिर जाएगी गुजरात। तो इस तरह से इंडिया
नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और अनुमान ये है कि 2 सालों के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया कर लिया जाएगा। तो पूछा जा सकता है इस पाइपलाइन के बारे में, रूट क्या है, नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन, मेनली ओमान को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ओमन है क्या नहीं है, ओमन की टेरिटरी से ये पाइपलाइन जाएगी या नहीं जाएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल राजस्थान के बारे में है। राजस्थान सरकार ने स्कूल एजुकेशन के अंदर पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अप्रूव कर दिया है। पहले चरण में 300 गवर्नमेंट स्कूल्स की फंक्शनिंग राजस्थान गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप दी है। देखो, राजस्थान गवर्नमेंट का तर्क ये है, आमतौर पर गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है पब्लिक स्कूल पे, गवर्नमेंट स्कूल्स पे, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट्स हैं बच्चों के, जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं आते। सैलरी भी ज़्यादा दी जाती है टीचर्स को, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ पे टीचर को सैलरी भी कम मिलती है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो इसी तर्क के चलते राजस्थान गवर्नमेंट ने कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की फंक्शनिंग जो अब है प्राइवेट प्लेयर्स को सौंप दी है, ताकि परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके, अकाउंटेबिलिटी हो सके टीचर्स की, और वो बच्चों पे ध्यान दें, एजुकेशन के लेवल को ऊपर उठाया जा सके। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है हम यूज कर सकते हैं पेपर 2 में एजुकेशन पर जब क्वेश्चन आता है तो, और ये इस केस स्टडी का एग्जांपल भी दे सकते हैं, राजस्थान का पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल ये दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल सेबी द्वारा गठित एक कमेटी के बारे में है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेबी ने एक कमेटी गठित की थी। किसकी अध्यक्षता में? उदय कोटक की अध्यक्षता में। 24 सदस्य थे इस कमेटी के अंदर और इस महीने के आखिर तक ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए सुर्खियों में था, इंफोसिस के अंदर हमने देखा किस प्रकार से काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे, जो बोर्ड है वो बाइस्ड काम कर रहा है, और इवन टाटा कंपनी में भी हमने देखा जो फाउंडर थे रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में फाइट हो गई थी, बाद में साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया था चेयरमैन के पद से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही सेबी ने ये कमेटी गठित की थी, ताकि जो भी डिक्लेरेशंस हो वो ट्रांसपेरेंट हो सके, और जो डायरेक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोर्ड के अंदर किसी कंपनी के, वो ट्रांसपेरेंट रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सकें। तो देखेंगे जब ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे इस महीने के आखिर में, तब हम भी उसको डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी के बारे में है। नीति आयोग ने देखा कि जो हमारी गति है अंडर न्यूट्रिशन या फिर माल न्यूट्रिशन को कम करने की, वो काफ़ी धीमी है, तो इसीलिए एक अलग से ड्राफ्ट तैयार किया है नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी। इसमें न्यूट्रिशन को नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के केंद्र में लाया जाएगा, सेंटर में लाया जाएगा, और 4 डिटर्मिनेंट्स जिनके नाम इस प्रकार से हैं, अपटेक ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फूड, उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इनकम एंड लाइवलीहुड्स। ये 4 डिटर्मिनेंट्स अगर मिलकर काम करेंगे तो माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन को कम किया जा सकता है। इस पे फोकस होगा नीति आयोग का। लक्ष्य ये रखा गया है कुपोषण मुक्त भारत, और इसको लिंक किया जाएगा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत से, ताकि अंडर न्यूट्रिशन को कम किया जा सके। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडिया और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की गई है, सूर्य किरण, उसके बारे में है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। 12th एडिशन है ये इस एक्सरसाइज का, अभी फिलहाल हो रही है नेपाल के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है रूपांदेही। इसमें 2 चीज़ों पे फोकस किया जाएगा, एक तो काउंटर टेररिज्म यानी जंगलों में आतंकवादियों से लड़ना, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट। तो 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। 300 सैनिक आएंगे इंडिया की तरफ से, 300 आएंगे नेपाल की तरफ से। अभी तक 11 बार हो चुकी है और 12th एडिशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में, जो कि होती है इंडिया और नेपाल के बीच में। आगे PIB में देख लेते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रधानमंत्री फिलहाल म्यांमार की यात्रा पे हैं, तो म्यांमार में एक बागन जगह है, वहां पे प्रधानमंत्री अनंदा टेम्पल में गए। तो आर्ट एंड कल्चर में इसका क्वेश्चन आ सकता है, कई बार UPSC जो वर्ल्ड की फेमस लोकेशंस हैं उनकी मैच ऑफ द फॉलोइंग करवा देती है कि बताइए ये टेंपल कहाँ पे है। तो अनंदा टेंपल मेनली एक बुद्धिस्ट टेंपल है, इसे 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था। पिछले साल 2016 में एक भूकंप आया था, तो भूकंप की वजह से काफ़ी सारा जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया था इस टेंपल का, बुद्धिस्ट टेंपल का। हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो हेल्प कर रहा है म्यांमार अथॉरिटीज़ की, ताकि इस टेंपल को कंजर्व किया जा सके और केमिकल की सहायता से प्रिजर्व भी किया जा सके। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बागन में है आनंदा टेम्पल म्यांमार में, आप याद रखिएगा, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेल्प कर रहा है ताकि इसे प्रिजर्व किया जा सके। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल PIB का एक टास्क फोर्स से संबंधित है। अलग से टास्क फोर्स बनाई गई है जिसका नाम है टास्क फोर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। किसकी अध्यक्षता में? राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार फिलहाल ये नीति आयोग के वाइस
चेयरमैन हैं, इनकी अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है। अभी देखो ये इशू हमारे देश में काफ़ी सुर्खियों में है कि जॉब क्रिएशन है वो काफ़ी कम हो रहा है, और इसीलिए ये टास्क फोर्स का काम यही है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही है, किस प्रकार से जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जॉब क्रिएशन हमारे देश में ज़्यादा होगा। अभी मेजर इशू ये है, हमारे देश में स्किल्ड लोगों की तो कमी नहीं है, लेकिन अभी भी वो एम्प्लॉयड है लो प्रोडक्टिविटी वाली जॉब्स में, लो वेजेस वाली जॉब्स में, माइक्रो एंड ओन अकाउंट एंटरप्राइजेज में। जबकि अगर जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, और ये चुनौती है अभी भारत के सामने। तो इस प्रकार की रिकमेंडेशंस देगा, इस प्रकार की टर्म ऑफ रेफरेंस है इनकी जो टास्क फोर्स गठित की गई है, किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है वो याद रखना, डॉक्टर राजीव कुमार इनकी अध्यक्षता में। फिलहाल ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। तो आज PIB में तो दो ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं शुरुआत से आज कौन कौन सी न्यूज़ हमने डिस्कस करी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 256 के बारे में, जिसके तहत में यूनियन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, डायरेक्टिव दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो पालन करे पार्लियामेंट से जो भी एक्ट पास हुआ है उसका। उसके बाद में सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया हमने, कब कब सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है। मेंस का एक पॉइंट था, राजस्थान गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को अपनाया है स्कूल एजुकेशन के अंदर। पहले चरण में 300 स्कूल्स की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज को सौंप दी है। उसके बाद में हमने मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन के बारे में भी जाना, ओमान से होकर ये पाइपलाइन जाएगी, अंडर सी वाटर की ये पाइपलाइन है। और ये भी हमने डिस्कस किया कि ऑलरेडी दो जो प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन के, IPI और तापी, तापी है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये दोनों प्रोजेक्ट्स अधर में हैं, इसीलिए इंडिया ने दूसरे प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है जिसका नाम है मिडिल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में रिफॉर्म्स लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेबी ने एक कमेटी गठित की थी जिसका नाम था उदय कोटक कमेटी। 24 मेंबर्स हैं, इस महीने के आखिर तक ये कमेटी अपने रिफॉर्म्स के लिए अपनी रिकमेंडेशंस देगी। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी के बारे में भी हमने जाना। उसके बाद में एक एक्सरसाइज सूर्य किरण जो इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होती है उसके बारे में डिस्कस किया। PIB में मेनली हमने दो न्यूज़ डिस्कस करी, एक तो प्रधानमंत्री म्यांमार के बागन में आनंदा टेंपल में उन्होंने विजिट की और ये न्यूज़ में है, इसको हमने डिस्कस किया। सबसे लास्ट में डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दिया जा सके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।